अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल निसार, और आप देख रहे हैं डिसेंटर। दोस्तों, आज हम सेट करने जा रहे हैं 5 फीट डिश के ऊपर यूटल सेट 21 डिग्री ईस्ट। तो बदर 26 डिग्री ईस्ट मेरे पास मुकम्मल तौर पर सेट है, उससे 21 डिग्री को कैसे लगाना है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, तो ये 5 फीट की डिश है और सेंटर एलन भी मैंने लगाई हुई है केयू बैंड की फीड आर्म के साथ, और बदर 26 डिग्री ईस्ट जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर सेट है। जिन दोस्तों को सेटिंग नहीं करना आती, चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है बदर 26 की कि सेटिंग कैसे करनी है, तो वो आप 4 फीट के ऊपर सेटिंग देख सकते हैं। और 4 फीट और 5 फीट का तकरीबन फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम ही सेटिंग होती है इसकी। तो ये वायर मैंने छोटी सी यूज़ की है, आप दोस्तों के सामने है, और ये सीधी DVD फाइंडर के अंदर पीछे लगी हुई है। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ पर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि इसके जो क्वालिटी है इसकी और इसके जो सिग्नल हैं वो मुझे कितने रिसीव हो रहे हैं। तो ये चैनल जो है MBC बॉलीवुड का लगा हुआ है, इसकी आवाज़ मैं कम कर लेता हूँ और इसको थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा 85 और 83% क्वालिटी जो है वो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, आप दोस्तों के सामने है। MBC बॉलीवुड का जो चैनल है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने सेटेलाइट को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या कहते हैं जी, सेटेलाइट में चले जाते हैं जी। ये आगे जी हमारी सेटेलाइट लिस्ट, मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाने के बाद एंटीना सेटिंग में जाने के बाद हम यूटल सेट 21 डिग्री ईस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये आगे जी यूटल सेट 21A, ये वाली सेटेलाइट हमने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमने सीधा इसकी TP स्ट्रॉन्ग वाली आपने लगानी है। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है 11856 वर्टिकल 30,000। ठीक हो गया दोस्तों, ये TP आपने लगा लेनी है। ये TP लगाने के बाद ये आगे जी सीधा सीधा काम आपने क्या करना है, डिश को पीछे से 1 इंच सीधे हाथ की तरफ मूव करना है और 1 इंच पीछे से आपने डिश को अप करना है। तो उसके लिए अब दोस्तों हम लगा लेते हैं निशान, ताकि हमें याद रहे कि डिश जो है हमारी किस जगह पर मौजूद थी। तो ये मैंने एक निशान लगा लिया है इसकी अलाइनमेंट का, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको नज़र आ ही रहा होगा, ये निशान हमने लगा लिया है। ठीक हो गया दोस्तों, तो दूसरा निशान हम यहाँ पाइप के ऊपर लगा लेते हैं। निशान सही तरह से लग नहीं रहा है, मार्कर जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर निशान नज़र आ रहा है। बहरहाल ये निशान मैंने दोनों तरफ ही लगा लिया है, ये डबल स्टैंड वाली डिश है। अब इसको डिश को पीछे से सीधे हाथ की तरफ आपने लेते जाना है डिश को, और थोड़ा सा 1 इंच आपने अप कर देना है, तो आपको इसको सिग्नल मिल जाएंगे। मैं इसकी सेटिंग करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप दोस्तों को दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मुझे 81% यहाँ पर सिग्नल जो है वो रिसीव हो चुके हैं। क्वालिटी जो है वो 79 या 81 करके इस तरह से ब्लिंक कर रही है, कुछ इस तरह से मुझे क्वालिटीज़ की रिसीव हो गई है। अब मैं आप दोस्तों को वही चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये आप देख लें, ये पहले वाला हमने निशान लगाया था। ठीक हो गया दोस्तों, और ये 1 इंच ही तकरीबन बनता है, और 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, ये 1.5 इंच आपने पीछे से डिश को एग्जैक्ट 1.5 इंच आपने पीछे से डिश को अप कर देना है, और पीछे से बैठ कर सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ आपने डिश को 1 इंच मूव करना है। तो ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, LNB की पोजीशन आपने चेंज नहीं करनी। ये दोस्तों देख लें आप, ये निशान लगा हुआ है पहले से, और ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा आप दोस्तों को। ठीक है, तो ये आपने तरीकाकार करना है, ये पीछे भी लाइन लगाई थी, ये कॉर्नर उसी जगह के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया दोस्तों, अब इसकी हम स्कैनिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके कितने चैनल जो हैं वो रिसीव होते हैं। तो पेड चैनल भी हम इसके रिसीव करेंगे, तो मैंने उसको स्कैनिंग के ऊपर लगा दिया है। जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगी आप दोस्तों के साथ मैं इसको शेयर करूंगा।
जी दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर तकरीबन 36 चैनल टोटल रिसीव हुए हैं, 17 टीपियाँ रिसीव हुई हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 टीपीज मौजूद हैं और ये जी 36 चैनल मुझे टोटल रिसीव हुए हैं, आप दोस्तों के सामने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये सेटिंग ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।